दोस्तों, मैं विजय कार्तिकेय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम उपस्थित हैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जहाँ से आज मैं नई दिल्ली तक यात्रा करने वाला हूँ। गाड़ी का नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आगे आने वाले कुछ ही महीनों में ये ट्रेन वंदे भारत के रैक से रिप्लेस कर दी जाएगी। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार ग्वालियर से दिल्ली तक शताब्दी एक्सप्रेस की यात्रा का अनुभव मैं आपको कराऊं। आप हमारे साथ बने रहिए, मुझे उम्मीद है इस यात्रा में आपको भी बहुत आनंद आएगा। आप जानते हैं, ये ट्रेन ग्वालियर से 7:45 पर शाम के समय चलती है और 11:30 पर ये नई दिल्ली पहुंचती है। करीब 30 साल से ये ट्रेन अपनी सेवाएं दे रही है। इसके स्वरूप में समय के साथ काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। एक और नया परिवर्तन बहुत जल्दी ही इसमें होने वाला है। दोस्तों, बीच में अपने सफ़र के बीच में ये ट्रेन मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट और मथुरा स्टेशनों पर विराम लेगी और उसके बाद ये 11:30 नई दिल्ली पहुँचेगी। घड़ी की सुइयों के हिसाब से 7:44 इस समय हो रहे हैं और ट्रेन करीब 20 मिनट लेट बताई गई है। तो प्रैक्टिकली 8 बजे के आसपास ये ट्रेन यहाँ से चलेगी, तो 12 बजे के आसपास ये नई दिल्ली पहुँचेगी इसकी संभावना है। आप हमारे साथ बने रहिए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। मेरा रिजर्वेशन C5 कोच में 49 सीट पर है। तो आइए एक नई यात्रा शुरू करते हैं। आपको 47 आ गए। तो जैसा अंदाज था कि 8 बजे हमारी यात्रा शुरू होती है। ग्वालियर से प्रस्थान प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी रवानगी। ग्वालियर से आगरा के बीच में ट्रेन की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा आप देख रहे हैं, पानी की बोतल सर्व कर दी गई है और कुछ ही समय में सूप सर्व किया जाएगा। अभी सूप तैयार करने का सामान यहाँ पर हमको दिया गया है। एक मक्खन की टिक्की है, 2 स्टिक्स हैं, थोड़ी काली मिर्च है और थोड़ा सा नमक है। ट्रे काफ़ी गंदी है
साफ करने के लिए बोलूं या खुद ही कोई उपाय करूं? अपना हाथ जगन्नाथ, बेहतर होगा मैं खुद ही कोई पेपर बिछा लूं। अब ठीक है दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं सूप आ चुका है, पर सच बताऊं तो पीने में हिचक हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूं ये सारा सामान ग्वालियर से ही चढ़ा है और ग्वालियर में शताब्दी के खाने की तैयारी में कितनी क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक हिचक हो रही है, एक संकोच हो रहा है कंज्यूम करूं या ना करूं, पर होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट अस ट्राई इन ट्राई नो ब्राई। शुक्र है दोस्तों, सूप उतना बुरा नहीं निकला जितना डर लग रहा था। लगता है इस साल ठेका कुछ किसी अच्छे आदमी को दिया गया है और क्वालिटी में कुछ सुधार हुआ है। दोस्तों हमारी ट्रेन अब मुरैना स्टेशन पर पहुंच रही है, यहाँ पर ट्रेन एक मिनट का हॉल्ट लेगी और इसके बाद वो धौलपुर के लिए रवाना होगी। मुरैना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का आखिरी रेलवे स्टेशन, दोस्तों मुरैना को क्रॉस करके अब हम चंबल नदी पार कर चुके हैं और धौलपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। धौलपुर राजस्थान का एकमात्र ज़िला है जो इस रूट पर अपनी पहचान छोड़ता है। आमतौर पर धौलपुर को हम चंबल के रूप में जानते हैं और चंबल का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो छवि उभरती है वो डाकुओं की होती है, पर सच मानिए अब ऐसा कुछ नहीं है। पर कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, तो राजस्थान का एकमात्र ज़िला जो इस रूट पर आता है धौलपुर, हमारी ट्रेन धौलपुर पहुंच ही रही है। यहाँ भी ट्रेन एक मिनट का स्टॉप लेगी। मैंने सुना है धौलपुर रेलवे स्टेशन को काफ़ी अच्छी तरह सजाया गया है, स्थानीय चित्रकारी यहाँ पर देखने के लायक है, आप भी देखकर इसका आनंद उठाइए। आइए दोस्तों यहाँ की बेसिक सुविधाओं की स्थिति के बारे में एक जायज़ा लेते हैं। ये टॉयलेट, इंटीरियर साफ सुथरे हैं, पानी आ रहा है या नहीं? अरे पानी आ रहा है, वाह। व्यवस्थाएं फिलहाल ठीक दिख रही हैं। लीजिए दोस्तों आपका डिनर सर्व हो चुका है। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, चावल है, दही भी है और थोड़ा मिक्स अचार आपका स्वाद बदलने के लिए ये भी दिया गया है। इसमें पराठे होंगे, जी हाँ इसमें दो पराठे हैं। तो कुल मिलाकर इतना खाना है कि एक आदमी का पेट भर सकता है। क्वालिटी के बारे में एश्योरेंस हुआ है, कंज्यूम करना शुरू करते हैं। दोस्तों अब हमारी ट्रेन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुँचने रह रही है। आगरा
ताजमहल की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। एक राज अपनी ज़िंदगी का मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आगरा मेरी भी जन्मभूमि है। यहाँ ताजमहल के पास एक बस्ती है ताजगंज, वहीं पर मैंने जन्म लिया। तो जब भी आगरा आता हूँ या उससे गुजरता हूँ तो एक अजीब सा अपनापन लगता है, पर समय काफ़ी बदल चुका है। जिनसे अपनापन था वो लोग अब नहीं रहे हैं, या तो वो संसार छोड़ गए हैं या उन्होंने वहाँ से जगह बदल दी है। कैंट रेलवे स्टेशन, यहाँ पर गाड़ी 5 मिनट का विश्राम लेगी। गाड़ी अपने निर्धारित समय से करीब 20 मिनट की देरी से चल रही है। आगरा शहर का नज़ारा रात में, स्थानीय भाषा में राजा मंडी रेलवे स्टेशन को हम क्रॉस करेंगे। बिल्लोचपुरा के बाद शताब्दी एक्सप्रेस अपनी अधिकतम गति को पकड़ेगी और 150 किलोमीटर की सीमा को छूकर हमें उस रोमांच का अनुभव कराएगी। लोहा मंडी इलाका, और ये राजा की मंडी रेलवे स्टेशन। कभी आपको ये राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर उतरने का मौका मिले तो यहाँ के बंदरों से ज़रूर सावधान रहिएगा। आगे आने वाले 2-3 सालों में इस स्टेशन का स्वरूप काफ़ी बदलने वाला है, क्योंकि तीसरी और चौथी लाइन जब डाली जाएगी कुछ प्लेटफॉर्म यहाँ से हटाने जरूरी हो जाएंगे। नया रूप कैसा होगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। आगरा से मथुरा के बीच ट्रेन की स्पीड 134 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, हमारी ट्रेन अब कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पहुंचने वाली है। मथुरा उत्तर प्रदेश का प्रमुख धार्मिक नगर है। आगरा अगर एक पर्यटन नगरी है तो मथुरा एक धार्मिक नगरी है।
कृष्ण की जन्मभूमि, जिसके दर्शन करने और परिक्रमा के लिए लाखों लोग हर महीने यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। मथुरा रेलवे स्टेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से दो लाइनें डिवाइड होती हैं। पहली मद्रास के लिए, जिस पर ग्वालियर से हम आ रहे हैं, दूसरी कोटा होते हुए बम्बई के लिए। दोस्तों, यहाँ से अजमेर के लिए और नैनीताल के लिए भी रेलवे ट्रैक्स मिलते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, करीब 7 ट्रैक मथुरा रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं, तो उस हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ पर ट्रेन 1 मिनट का विराम लेगी। आप देख रहे हैं सामने जो ट्रैक है, वो मुंबई रतलाम कोटा से आने वाला ट्रैक है। इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि तीन तरफ के ट्रैकों का लोड संभालने के लिए मथुरा से दिल्ली के बीच में कम से कम 4 लाइनें हों, जिससे ट्रेनों का जो डिले होता है वो ना हो और ट्रेनों को ज़्यादा आराम से चलाया जा सके। निकट भविष्य में ये प्रोजेक्ट भी पूरा होगा और हम ट्रेनों की बेहतर गति और बेहतर टाइमिंग अनुभव कर सकेंगे। मथुरा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3। दोस्तों, मथुरा रेलवे स्टेशन के बाद अब शताब्दी एक्सप्रेस सीधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही रुकेगी और इस सेक्शन में हमको इसकी अधिकतम स्पीड देखने के लिए मिलेगी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे लगता है कि जिस ट्रेन को कवर करने के लिए मैं जा रहा हूँ, वंदे भारत एक्सप्रेस, वो भी इतनी स्पीड मेंटेन नहीं करेगी, क्योंकि उसकी अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखी गई है। ट्रेन लगभग 1 घंटे में नई दिल्ली पहुंचेगी। आइए तब तक हम लोग एग्जीक्यूटिव क्लास का एक नज़ारा देखते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, इसमें 2x2 की रोज हैं, दो दो सीटों की पंक्तियां हैं। नॉर्मल क्लासों में 3x2 की पंक्तियां होती हैं, जिसकी वजह से ट्रेवलर्स को एक रिलैक्स स्पेस मिलता है मूव करने के लिए और थोड़ा खुला हुआ स्पेस ज़्यादा आराम का अनुभव देता है। मथुरा दिल्ली के बीच में शताब्दी की अधिकतम गति 150 किलोमीटर प्रति। आइए शताब्दी एक्सप्रेस का स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। एक बोतल में पानी भरकर उसे सामने रखते हैं और देखते हैं कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर कितनी स्टेबल रहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ICF कोचों के मुकाबले काफ़ी स्टेबिलिटी है। बोतल थोड़ी हिल तो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि हम पानी भी ना पी सकें। ट्रेन ट्रैक चेंज करते समय झटका लिया और बोतल दूर तक लग गई। अभी एक टेस्ट और बाकी है। अब देखिए, ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और पानी का कंपन काफ़ी कम है।
दोस्तों ट्रेन अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के काफ़ी पास पहुंच चुकी है। प्रगति मैदान को पार करके हम लोग कनॉट प्लेस की तरफ बढ़ रहे हैं। रात का समय है, शायद संभव ना हो, पर मेरी इच्छा थी कि कनॉट प्लेस पर जो 300 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है वो आपको दिखाया जाए। कनॉट प्लेस की क्रॉसिंग, रात का खूबसूरत नज़ारा, अफसोस तिरंगा नहीं दिख रहा है। हम कुछ ही समय में अपने गंतव्य स्टेशन नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं, हम आशा करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमें पुनः सेवा का मौका देंगे। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि यात्रा के दौरान आपको दी जाने वाली खाद्य सामग्री आपके लिए है और आप इन्हें अपने साथ भी ले जा सकते हैं। आप पानी की बोतल अपने साथ ले जाएं अथवा इसे नष्ट कर दें ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। कुली द्वारा अधिक किराया न वसूला जाए, इसके लिए स्टेशन पर कुली की किराया दरें प्रदर्शित की गई हैं। आपकी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि गाड़ी के दरवाजे तब तक न खोलें जब तक गाड़ी पूरी तरह से रुक नहीं जाती। धन्यवाद। और अब आखिर हम आ पहुंचे हैं शताब्दी एक्सप्रेस की आखिरी मंजिल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जा रही है। अपने समय से लगभग 20 मिनट की देर से ये ट्रेन ग्वालियर से भी चली थी और 20 मिनट की देर से ही ये नई दिल्ली पहुंची है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कल सुबह यहाँ फिर मुलाकात होगी वंदे भारत एक्सप्रेस कोई के कवरेज के लिए, आप देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों जैसा मेरा अनुमान था 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। दोस्तों हमारी मुलाकात कल सुबह ही 6 बजे फिर होगी वंदे भारत एक्सप्रेस का नई दिल्ली से बनारस तक का पूरा लाइव कवरेज और लौटते हुए भी बनारस से नई दिल्ली तक का लाइव कवरेज, दो अलग अलग वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों अब हमारा विदा लेने का समय आ गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप इसी तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा, आपकी तारीफ़ें हमारा मनोबल बढ़ाएंगी और आपकी आलोचना हमें सुधार का मौका देगी। तो कृपया जो जैसा भी हो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई यात्राओं के साथ, नई पहचानों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।